दोस्तों हो जाइए रेडी, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा आईपीओ आपके लिए ओपन होने जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बढ़िया से आईपीओ की अपडेट के साथ। और दोस्तों अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करके आपके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, तो हो जाइए रेडी। या दोस्तों आपके लिए एक बढ़िया सा आईपीओ ओपन होने जा रहा है जिसका नाम है साधव शिपिंग लिमिटेड। या दोस्तों क्या है ये आईपीओ, क्या है इसकी डिटेल्स और क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करके आपके वेल्थ क्रिएट हो पाएगी, सब कुछ जानेंगे इस एक ही वीडियो में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति फिर से आपके लिए लेके लाया हूँ एक बढ़िया से आईपीओ की अपडेट। और जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ सावत के बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे क्या है इस आईपीओ की डिटेल, क्या है इसकी कंपनी की डिटेल, क्या है इसका ग्रे मार्केट डिमांड, क्या है इसकी फाइनेंशियल कंडीशन। देन बाद में बात करेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। सब कुछ डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं इस एक ही वीडियो के अंदर। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस। तो दोस्तों सावत शिपिंग लिमिटेड का आईपीओ जो है वो आपके लिए 23 फरवरी को ओपन होगा। 27 फरवरी तक आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। इसका साइज जो है वो 38.80 करोड़ रुपए तय किया गया है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू जो है वो 38.80 करोड़ का ही होने वाला है, यानी इसमें OFS जो है वो नहीं रहेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर तय की गई है। इसकी प्राइस बैंड जो है वो 95 रुपए तय की गई है। इसमें रिटेल कोटा 50% रिजर्व है और NII के लिए भी 50% रिजर्व है। दोस्तों ऐसे में सेगमेंट का ये आईपीओ होने वाला है, तो इसमें लॉट साइज जो है वो 1200 शेयरों की तय की गई है। एज ए इन्वेस्टर आपको इसमें 1,14,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं इसके अलॉटमेंट और लिस्टिंग की, तो इसका अलॉटमेंट जो है वो आपको 28 फरवरी को मिल सकता है, वही 1 मार्च को इसका लिस्टिंग भी हो सकता है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आपके नियर एंड डियर को भी ये वीडियो जरूर से शेयर करना, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस सबके लिए ज़रूरी है। ये वीडियो देख के उनको भी आइडिया आएगा कि उनको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं इस आईपीओ की वैल्यूएशंस पर। तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 7.50 है। इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्क जो है वो 18.94 है और इसका नेट एसेट वैल्यू यानी NAV जो है वो 39.62 पर इक्विटी शेयर तय की गई है। इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर अगर हम नज़र डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 61.24 करोड़ रुपये था, वही इसका प्रॉफिट जो है वो 3.31 करोड़ रुपये पर पहुँच गया था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का रिवेन्यू थोड़ा बढ़ा, 69.78 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसका प्रॉफिट जो है वो भी 3 करोड़ के आसपास ही रहा। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रिवेन्यू बढ़ के 78.92 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसका प्रॉफिट भी जो है वो बढ़ के डबल हो गया, ऑलमोस्ट 7.75 करोड़ रुपये पर पहुँच गया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6 महीने का इसका रिवेन्यू अगर हम देखें तो 17.87 करोड़ रुपये पर ये पहुंच गया और इसका प्रॉफिट 2.13 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसके प्रमोटर्स की मैं बात करूं तो मिस्टर कमलकांत विश्वनाथ चौधरी, मिसेस सुधारा चौधरी, मिस्टर वेदांत कमलकांत चौधरी इसके प्रमोटर्स हैं। दोस्तों इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर के तौर पर ISK एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को तय किया गया है, वही मासिलदा सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को इसके रजिस्ट्रार के तौर पर तय किया गया है। यानी आप आपका अलॉटमेंट जो है वो मासिलदा सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन हो सकता है जिस दिन आप हमारे वीडियो चेक कर रहे हो उस दिन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको कोई मूवमेंट देखने को मिल जाए। लेकिन वो डे बाय डे आप कैसे चेक कर पाओगे, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऑलरेडी इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की लिंक दे दी है, वहाँ पे जाके आप इस कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम डे बाय डे चेक कर सकते हो। अब दोस्तों कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस कंपनी की डिटेल जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सो दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स की मैं बात करूँ तो 1996 में निर्मित साधव शिपिंग लिमिटेड सेवा बंदरगाह तटीय रसद के लिए समुद्री संपत्ति को मालिक है और उनका संचालन करता है और अन्य बंदरगाह समुद्री संबंधित सेवाएं भी प्रदान करता है। कंपनी के पास ऐसे बार्जेस हैं जिनका उपयोग तटीय और आइसलैंड जलमार्ग शिपिंग के माल के परिवहन या उसकी लाइटिंग के लिए किया जाता है। कंपनी पोर्ट क्राफ्ट का संचालन और प्रबंधन करती है
और पेट्रोल सर्विसेज के लिए उच्च गति वाली सुरक्षा नौकाएं भी प्रदान करती है। यानी ये पूरी जो है पोर्ट के रिलेटेड जो वर्क होता है वो ये कंपनी करती है और शिपिंग बेस का वर्क भी ये कंपनी करती है। दोस्तों कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल है और कंपनी अपने प्रॉफिट में बढ़ोतरी करने के लिए ही ये IPO लाने जा रही है। तो एज पर अवर रिव्यू आपको इस IPO में ज़रूर से इन्वेस्ट करना चाहिए, माइट भी आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। और जैसा कि हर एक वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपका जरिया जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतने ही बढ़िया वेल्थ आपके भी क्रिएट हो पाएगी। यहाँ दोस्तों तो फिलहाल इस IPO को लेके इतनी ही बात। इस IPO को लेके आप कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी IPO की अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।